Cadbury Moro T20 World Cup Hangama presented by Sunsilk Shine, brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai, powered by Dolans, refreshed by Sprite, and our cooling partner is Pell. प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ. मैं हूँ आपकी होस्ट इस्मा असलम. मेरी जानब से, मेरी पूरी टीम की जानब से और चैनल 24 की जानब से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो. आपने हमारा शाम 6 बजे वाला शो देखा होगा जिसमें हम ईद के बारे में भरपूर बातें की, हमने खूब किस्से कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर किए. लेकिन अब बात होगी क्रिकेट की. दोनों हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इंजमामुल हक साहब, सलीम मलिक साहब. सलीम भाई से शुरुआत कर लेते हैं. सलीम भाई, बाबर ने कल जो मैच खेला पाकिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ, उसमें उन्होंने जब मैच के बाद वो आए तो उन्होंने कहा कि यूएसए में जो पिचेस थी वो बैटिंग के लिए साजगार नहीं थी. तो उन्होंने मलबा जो है ना ख़राब परफॉर्मेंस का बैटर्स की, क्योंकि हमने कल रात जो 11 बजे वाला शो किया था उसमें बड़ी डिटेल में हमने बैटर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात की. तो उन्होंने मलबा जो है ना सारा वो पिचेस पर डाल दिया. डालना भी चाहिए था क्योंकि हार चुके हैं हम. देखें, ये बड़ा आसान होता है कि जब आप हार जाए ना तो ब्लेम किसी चीज़ पे डाल दें. बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों पे मलबा डालते हैं. तो कप्तान के पास एक ही चीज़ थी कि विकेट पिच अच्छी नहीं है. ये नॉन प्रोफेशनल वाली बात है. देखें, आप प्रोफेशनल हैं और आपकी रेपुटेशन एज वन ऑफ द फेवरेट टीम थी आप इस टूर्नामेंट में, है ना. आपको हमेशा से टीम हमारी को समझा जाता है कि ये फेवरेट टीमों में से है. अगर हम इस किस्म की बात करते हैं, अगर आप मुश्किल पिचेज हमें मिली हैं तो हम अगर बाहर हुए हैं बजाय ये कहने के ना हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, आप फिर बहादुरों. तो बाकी टीम्स के लिए भी मुश्किल ही थी ना. जो मैं वही कह रहा हूँ जी, आप बहादुरों की तरह इसको फेस करें कि यार आप बताएं कि जी हमारी टीम अच्छा नहीं खेली, हमने बॉलिंग अच्छी नहीं की, हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं हुई, हमारी बैटिंग अच्छी नहीं हुई. चले बॉलिंग में तो फिर भी थोड़ा बहुत चांस आपको मिलता रहा कि आप कर जाएं. तो आपकी तो टोटल बैटिंग फ्लॉप थी. आपने ये जिक्र नहीं किया कि हमने हमारे कॉम्बिनेशन ही कोई नहीं था. कॉम्बिनेशन की बात की, उन्होंने कहा देखें कि बार बार हम फिर चूँकि उसी तरफ जाते हैं, इसलिए कि जो खामियाँ थी आपको वो बतानी चाहिए थी कि मैंने कहा कि टीम मेरे मतलब की है. अगर आपके मतलब की थी तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि जी विकटें मुश्किल थी. विकटें दूसरी दुनिया की टीमें सारी खेली हैं. क्या यूएसए के लिए मुश्किल टीम विकेट नहीं थी? आप यूएसए से हार गए, आप कोई इंडिया नहीं को आपको मौका मिला, आप इंडिया से हार गए. ये देखें, ये हैं एक्सक्यूजेज. जब आप हारते हैं ना उसके बाद ये एक्सक्यूजेज देने मेरा नहीं ख्याल कि ये बनते हैं. इन जी ये कोई तरीका नहीं है कि आप हारने के बाद कहें कि यार पिचेज मुश्किल थी. क्या ऐसा कभी हमने ज़िंदगी में सुना है कि यार ये हम होता है मुश्किल विकटें आती हैं. तो आप किस चीज़ के पैसे लेते हो, इतने पैसे लेते हो, आपको मुश्किल पिचेस भी आएंगी आसान भी आएंगी. या तो फिर आप कहते ना कि जी हमने इन पिचेस पे नहीं खेलना, आईपीएल की तरह हमें इस्लामाबाद की पिच पे ले जाए जो बहुत आसान है, 260 रन होता है, हमें उधर ले जाए उठा के. ये इंजी भाई वर्ल्ड क्लास बैटर बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है. कंपैरिजन भी उनका बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ होता है. अभी जो हमारे करंट लॉट के जो बैटर्स हैं विराट कोहली, उनके साथ उनका मवाजना किया जाता है. फिर इस तरह की बात कहना, तो मेरा एक दोस्त था उसको 3-day मैच दे दिया मैंने. 3-day मैच उसको मिला तो पहले दिन इनिंग्स ख़त्म हुई तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कितना स्कोर किया. उसने कहा यार पिच गिली थी, टीम 127 पे आउट हो गई तो मैं 0 पे आउट हो गया. मैंने कहा अच्छा. दूसरे दिन दूसरी इनिंग्स आई, 3-day मैच होता था, फिर 0 पे आउट हो गया. मैंने कहा कि यार क्या हुआ? कह रहा यार बॉल अच्छी हो गई थी. तो मैंने कहा कि ठीक है कि फिर तुम इस तरह किया करो, तुम सिर्फ गंदी बॉल खेला करो. अच्छी बॉल खेलने के लिए किसी और को कहते हैं कि अच्छी बॉल पर आउट हो गए तो अच्छी बॉल और नहीं खेलनी. अब ये ऐसी स्टेटमेंट है कि बस ठीक है कि फिर विकटें अगर अच्छी पे तुम खेलना, बुरी पे ना खेलना, ठीक है ना. सो ये कोई बात नहीं है कि जी पिच मुश्किल नहीं था. इंडिया ने याली कंप्लेंट नहीं की याली. नहीं, उन्होंने हल्की सी की थी कि विकेट अच्छी नहीं है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा. जीत रहे ना, खेलना तो है ना. आपने तो सारी जगह आपको खेलना भाई. वैसे बड़ी मजे की बात यह है कि चले आप यूएसए में खेल रहे थे, पिचेस हमारी नहीं थी, लेकिन आपको जो घर में आके टीम से हरा के जा रही है न्यूजीलैंड की सी टीम, तब तो हमारी इतनी पिचेस थी. छोटा सा
वो शदाब ने ना अपना PSL हो रहा था ना, उसने कहा एक मैच में उसने 70 किया कोई इनिंग में, तो अगली इनिंग में ना वो वांडोन आया था उस मैच में, अगली में वो 7वें नंबर पे आया, तो उसने उसके बाद इंटरव्यू लिया गया उससे कि जी आप फॉर्म में थे, आप ऊपर क्यों नहीं आए। उसने कहा ऊपर कंडीशन बड़ी मुश्किल थी तो इसलिए मैं नीचे गया कि जब आसान कंडीशन आएगी तो मैं खेलूँगा, ये उसकी स्टेटमेंट थी। अब हमारा हाल ये है कि हम आसान कंडीशन होएगी, एक कैप्टन जो यूनाइटेड इसका इस्लामाबाद यूनाइटेड का ये कह रहा है, यार मैं तो यार मैंने हंस रहा था, मैंने कहा देखो यार ये कैसी स्टेटमेंट है। आपको कौन सी बात पे इतराज है, उसके सच बोलने पे या किस चीज़ पे? नहीं सच बोलने पे नहीं, बात ये है इंजी के मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ये जो PSL होती है ना, इसमें मैंने पहले भी बहुत दफ़ा कहा है कि यार जिस नंबर पर आपने खेलना है ना जी पाकिस्तान टीम में, उसी नंबर पे फिर आप PSL में भी खेलो, क्योंकि आप यहाँ तो आसान कंडीशन ढूंढ ढांढ के खेल लेते हो, फिर जब इंटरनेशनल क्रिकेट में जाते हो ना तो फिर आपको समझ नहीं आती, क्योंकि आपको अपने नंबर पे 7वें पे खेलना होता है और वो आपको वहाँ जाके बड़ी हिटें मारनी होती हैं। इसलिए भाई ये शदाब है ना, ये अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन किसी ने ना इसके जहन में ना गलत चीज़ डाल दी है कि जी कि तुम्हें ना बैटिंग से सरवाइव कर जाओगे, क्योंकि जी तुम बॉलिंग अगर तुम्हारी नहीं सही हो रही ना तुम बैटिंग कर लो तुम सरवाइव कर लोगे। अभी तक तो वो कामयाब नज़र आ रहा है क्योंकि वो बॉलिंग तो 2 साल से नहीं अच्छी कर रहा, इसी पे सरवाइव किए जा रहा है। अब है ना बीच में सारे उसको सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जिस टाइम मुश्किल कंडीशन आती है तो वो ना आप इससे जीत नहीं सकते, आप विनिंग स्टैंड पर नहीं आएंगे, आप सर्वाइव ज़रूर कर देंगे जिस तरह कर रहे हैं लेकिन आप विनिंग स्टैंड पे नहीं आएंगे। आपको इस चीज़ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आपने क्रिकेट खेली ना अच्छी, देखो शदाब के लिए भी कह रहा हूँ कि जी सारे लोग बैठ के उसको क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जी। क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी क्या इसने, अब उसने 3 मैचों में बॉलिंग नहीं कराई, आज 1 ओवर कराया उसको 11 हो गया, इसका 3 मैच से ये समझ लो कि वो बॉलिंग नहीं कर रहा, अब वो बैटिंग में खिला रहा है। अब ये वाला सवाल इस पे पूछा जाएगा कि जी आप इसको किस चीज से बैटिंग पे खिला रहे हैं, क्योंकि बैटिंग की भी कोई इतनी ये इंदी, सवाल पूछने वाले हैं। जब ये इसको खिलाया गया था तो आपने कहा था बॉलिंग, मैंने कहा था इसको बॉलिंग नहीं करवाएगा, बस सही है याद है, आपने बैटर खिलाया था और बाकी उस दिन कोई ओवर नहीं कराया उसके बाद। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। ब्रेक पे जाने से पहले हम टीम की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे, डिफरेंट प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर रहे थे। अब मैं एज अ होल बात करना चाहूंगी। इंजी भाई 6 दफ़ा इस टीम ने सेमीफाइनल खेला हुआ T20 वर्ल्ड कप का और कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगली स्टेज तक ना पहुंच सके, इस दफ़ा ये हुआ है। जब आपकी टीम T20 में भी इतना बुरा परफॉर्म कर रही हो तो उससे बेहतर कोई टाइम नहीं हो सकता कि आप सोचना शुरू कर दें कि अब हमने क्रिकेट बेहतर करनी है तो हमने क्या इकदाम उठाने हैं। देखो आपको हम जिस टाइम सिलेक्शन में बैठते थे ना कि जी हम 10 लोग सिलेक्ट करते थे तो 10 के 10 परफॉर्म नहीं करते थे सही, उसमें से 4-5 आपको ना फारिग करने पड़ते थे क्योंकि यार ये हमारी अगर मैं आपको सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताता हूँ कि जितनी भी है कि अगर हमने 10 लोग सिलेक्ट किए ना, अगर 5 वो कामयाब हो गए ना तो हम अपनी सिलेक्शन को बेहतर समझते हैं, ठीक है कि जी अच्छी सिलेक्शन हुई है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है, क्योंकि जी ऐसा नहीं है कि जी जो भी लड़का सेलेक्ट हो गया है वो तो सब अच्छे परफॉर्म नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह चेयरमैन का भी है कि जिस टाइम ये आते हैं ना तो ये काफ़ी सारे लोगों को ट्राई करते हैं कि जी इस पे आए इस पे आए, तो फिर उनको भी टाइम के साथ पता चलता है कि यार कि कौन सा आदमी किधर डिलीवर कर रहा है किधर डिलीवर नहीं कर रहा। लेकिन मेरी ये है कि फिर अगर उनके पास भी टाइम नहीं होगा ना तो पता ही नहीं चलता हर नए वाले को। तो ये हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है ना ये इतनी आसान जगह नहीं है, यहाँ बहुत जरा मेरा मतलब प्लान करने के लिए भी टाइम चाहिए, सारी उसकी एग्जीक्यूशन के लिए भी टाइम चाहिए, सारी चीज़ों के लिए टाइम चाहिए। इसका मतलब ये है कि सब कुछ टाइम देना चाहिए, सब कुछ टाइम सेलेक्शन कमेटी को भी टाइम मिलना चाहिए क्योंकि वो ताकि वो अगली दफ़ा फिर ऐसी टीम सेलेक्ट कर सके, क्योंकि वो चार भाई टाइम देने के मूड में नहीं है यार, 4 सीरीज हो गई हैं जी इनको, 4 सीरीज नहीं उनको तो टाइम दे दिया है ना। अच्छा मैंने कहा वो टाइम की बात हो रही थी ना, मैंने कहा शायद इनको अभी फिर किसी को टाइम देना है इन्होंने, वो चेयरमैन के हवाले से नहीं उनको तो
उन्होंने एक सिलेक्शन कमेटी लेके आए हैं, अब उन्होंने डिलीवर किया कि जी पिछले 6 महीने से वो काम कर रहे हैं क्योंकि जी, और सीरियस के मैं आपको एक बात बताऊं कि 6 महीने भी कोई ऐसा बड़ा टाइम नहीं है, लेकिन जो इन्होंने वर्ल्ड कप में सिलेक्शन की है ना, ये मेरा मतलब है कि समझ से बाहर की सिलेक्शन थी। कत्ले आम है यार ये तो, एक मेरा मतलब है एक इंजी एक महल्ले के, आप ये देख नहीं कर सकते श्री भाई। आज भी आप ये देख लो कि जो टीम खेल रही थी ना उसमें कोई मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था यार, यही तो हम पहले दिन से कह रहे हैं जी, कोई नहीं है, बॉलर बैट्समैन बन चुके हैं, ठीक है, जो रेगुलर बॉलर है वो खेल नहीं रहे। ये एक ऐसी सिलेक्शन थी कि जो समझ से बाहर थी, तो इस पर ज़रूर सोचना चाहिए और कुछ जो सिलेक्शन हुई हैं उस पर ज़रूर बैठ के सोचना चाहिए कि ये क्यों हुई है। वैसे मेरा भाई मैं चाहूँगी आप भी कुछ, वैसे मेरा ख्याल है इसमें ना जैसे इंजी ने बड़ी अच्छी बात की कि बैट्समैन बॉलर हो गए थे और बॉलर बैट्समैन हो गए थे, मेरा ख्याल इनको कीपर को भी बॉलिंग करवा लेनी चाहिए थी, शायद कोई उसका भी टैलेंट बाहर आ जाता जो इस तरह ये जो इस हरकतें कर रहे थे इंजी। जब उस्मान को कराते, आजम को कराते आजम तो नहीं, रिजवान वगैरह ही, वो जब वो खेलता था तो कीपिंग वो करता था जी। बाकी जो दोनों बैट्समैन थे उस्मान और वो, उनसे भी ट्राई कर लेना चाहिए था। बात ये है इंजी, जो हम बार बार एक चीज़ कहते हैं यार कि खुदा के लिए ये टाइम है चीज़ें ठीक करने का, अल्लाह की तरफ से आपको पता चल गया है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं। हाँ जी, आप देखें हमारी टीम कहाँ से नीचे जा रही है, बिल्कुल यूँ जा के यूँ गिर, बिल्कुल नीचे चली गई है। अब उसको ज़मीन से टकराने से पहले ना उसको ठीक करने की कोशिश करें, और हमने बहुत सारी चीज़ों को बहुत सारे अच्छे तरीके से बताया कि कहाँ कहाँ खराबियाँ हैं। अगर उन खराबियों को अभी से हमने ठीक करने की कोशिश ना की, में शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? खराबियां तो हैं, हमने परफॉर्मेंस भी देख ली टीम, सिलेक्शन की गलतियां भी हमने जो हैं उनको बारहा उस पे बात की है, लेकिन ये लड़के भी तो हम देखें ना, ये इतने इतने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, वही बात है कि अगर 120 का टारगेट आपको अचीव करना है उसके लिए भी आपको फिर इसमें, अगर आप ये समझती हो कि अगली सीरीज में सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये तो नहीं हो सकती। आपको अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट से आप चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, मे बी उसमें थोड़ा टाइम लग जाए। वहाँ जो हम बार बार कहते हैं, जो लोग हैं जिन्होंने इंजी बार बार कह चुका है कि ये जो अगर बिल्डिंग तैयार करनी है, फाउंडेशन ठीक नहीं होगी तो ऊपर जाके जो मर्जी आप सोना लगा दें उसने गिरना है, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट से स्टार्ट करना पड़ना है। वहाँ के जो लोग हैं वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ों की चेंजेस है, आपको क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग हैं उनमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है चेंज करने की। जो दबे लफ्ज़ों में इंजी ने उस दिन भी ये वाकया सुनाया था कि ये चार दीवारी के अंदर जो चीज़ें हैं आप ठीक कर लें, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो आपको अकेडमी में चीज़ें बहुत सारी ठीक करने की ज़रूरत है जहाँ से आपके यंगस्टर ने निकलना है। अगर आपने अभी भी वही काम करना है जो पिछले करते आ रहे थे लोग, तो फिर मेरा ख्याल फिर कभी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। तो हमारी रिक्वेस्ट है चेयरमैन साहब से कि ये जो चीज़ें हैं ना, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कहा है ना मेजर सर्जरी, वो यहाँ से स्टार्ट करें, ताकि आपको हम लोग जो हैं ना अच्छे प्लेयर, अच्छे लोगों को लेके आए, प्रोफेशनल लोगों के जिन्होंने पाकिस्तान में खिदमत की हुई है, वो ताकि आपको अच्छा मटेरियल दे सकें। राहुल द्रविड की हम क्यों बात करते हैं कि यार इंडिया के लिए इतना खेला और अंडर 19 को उसने सर्व किया, तो आपको वहाँ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो आप करें, इंशाल्लाह क्यों नहीं होएगी टीम हमारी अच्छी, बहुत टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, जिस पर काम करने की ज़रूरत है। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। अब हम बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। हम बात कर रहे हैं कि टीम की परफॉर्मेंस हालिया वक्त में कुछ इतनी अच्छी नहीं रही है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान को होस्ट करनी है इंशाल्लाह, उस पर हमने बात करनी है कि क्या पाकिस्तान ही होस्ट कर रहा है, इस पर बात करेंगे, और क्या इंडिया जो है उसके कितने चांसेस हैं आने के, क्या लगता है हमारे क्रिकेटर्स को, लेजेंड्स को, उन पर बात करना चाहेंगे। इंजी भाई, इंडिया अभी हमने एशिया कप होस्ट किया था, बहुत कोशिश की गई, बहुत कोशिश की गई, नहीं आए वो लोग, अभी क्या लगता है चैंपियंस ट्रॉफी में, क्योंकि उस वक्त राजीव शुक्ला आए थे, रॉजर बिनी ने दौरा किया था लाहौर का, क्या लगता है कुछ चांसेस हैं कि इंडिया इस दफ़ा आएगा? देखिए, इंडिया के
हालात पे डिपेंड करता है। और पहले भी जिस टाइम वो नहीं आए थे तो हम कुछ भी नहीं कर सके थे, हम ही उड़ते फिर रहे थे जगह पे, सारी जगह पे। एशिया कप के भी होस्ट हम थे जी, लेकिन सारी जगह हम ही उड़ते फिर रहे थे कि श्रीलंका से मुल्तान पहुंचे, मुल्तान से लाहौर आए, लाहौर से जाके फिर कोलंबो चले गए वहाँ पर। तो अभी भी यही होगा कि जी कोई इसमें कोई ऐसी चेंज नज़र नहीं आ रही कि जी हम एज सच देखेंगे कि जी कोई बहुत चेंज है। तो ये आईसीसी को अपना रोल है ना प्ले करना चाहिए इस चीज़ में कि जी आईसीसी कहाँ स्टैंड करता है कि जी अगर पाकिस्तान में है तो आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए क्योंकि हम भी तो गए हैं अभी खेलने जी, अपनी हर चीज़ अपनी जगह पे है। लेकिन ये कि जी जो आईसीसी का शेड्यूल है उसको आईसीसी को पाकिस्तान बोर्ड की नस्बत ये आईसीसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इवेंट है ना आईसीसी का है, होस्ट बेशक पाकिस्तान कर रहा है, जिस तरह ये आईसीसी का इवेंट है ना अमेरिका में हो रहा है, लेकिन इवेंट तो आईसीसी का है। लेकिन इवेंट आईसीसी का, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो आईसीसी की है, बेशक पाकिस्तान में हो रहा है इवेंट लेकिन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसीसी की है। उसको मेक श्योर करना चाहिए कि जी सारी टीमों को पाकिस्तान में होना चाहिए। ये मैं ये कहूँगा कि ये पाकिस्तान से ज़्यादा आईसीसी को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। एशिया कप जो था जी वो भी तो शेड्यूल का हिस्सा ही होता है। जी जी शेड्यूल का हिस्सा। तो ये उस वक्त भी नहीं आए जी? नहीं आए। तो ये इसमें भी नहीं आएंगे? ये मेरे से आज लिखवा लें, ये नहीं आएंगे। इसलिए देखें आईसीसी कौन है, आईसीसी कौन है, सारे क्रिकेट बोर्ड्स का हेड। वेरी सॉरी, ये मैं कह रहा हूं इंडिया है। मैं आई एम वेरी सॉरी, आप कह रही थी ना बारीक बात, आपको मैं कह रहा था कि ये मैं जो इंजी बात करता ना तो मैं इसलिए हंसता नहीं हूँ कि मुझे पता है इंजी क्या बात कर रहा होता है। तो ये मुझे कह रही थी आप हंसते नहीं है, मुझे जोक समझ नहीं आ रही इंजी भाई की जोक। मुझे कह रही आपको समझ नहीं आई, मैंने कहा मुझे आती है पर मैं इंजी को बहुत हम कटे बहुत केले में। बात ये है कि आईसीसी कौन है, किसका कौन मैच चेंज करवा देता है एक दिन में? इंडिया जी। तो आईसीसी तो इंडिया ही है ना। हाँ। तो आईसीसी क्या करेगी? आईसीसी इंडिया से कहे कि आप टूर करें। वो आईसीसी कुछ नहीं कर सकती भाई, सारी स्पॉन्सरशिप उनकी है। हाँ। आप कुछ नहीं कर सकते आईसीसी की, आईसीसी तो उनके आगे माई बाप करके खड़ी होती है। आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरे बेशक खिलाफ, मगर ये हकीकत है कि आईसीसी कुछ नहीं कर सकती, उनके आगे कुछ नहीं कर सकती। तो उन्होंने नहीं आना, वो तो पहले भी रिफ्यूज़ किया था, अब भी रिफ्यूज़ करेंगे और हमेशा से करते आए हैं वो, जब जो उनका दिल करता है। तो आपको बर्दाश्त करना पड़ना है। कुछ लोगों का ये है बड़ा कि जिस तरह अभी जो एक इस वर्ल्ड कप में स्टेटमेंट थी वो ऑस्ट्रेलिया प्लेयर की, अगर इस तरह का कोई कोई और किसी ने दी होती ना, पाकिस्तान का प्लेयर इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है? नहीं, कभी भी नहीं। तो बहुत बहुत कंट्रोवर्सी बनेगी। तो ये थोड़ी सी सोचने वाली चीज़ है हमारे लिए भी। और मैं इसको सारी चीज़ों से इस तरह देखता हूँ कि सारी दिन में जिसके पास पावर है ना वो अपनी मर्ज़ी करता है। हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए, हमें एज ए बोर्ड, एज ए टीम, एज ए प्लेयर है ना, हमें मजबूत करना चाहिए ताकि ना लोग हमारी बात भी सुने कि जी ये कहते रहे कि जी वो इस तरह करते हैं, वो इस तरह करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें और भी करते हैं, क्योंकि जी सारों से ज़्यादा पैसा जनरेट करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तो वो फिर अपनी बात भी मनवाते हैं। अगर हम भी ये वाली चीज़ करेंगे तो हम भी कर सकते हैं। ये जब बिग थ्री बन रहा था ना इंजी, उस वक्त स्टैंड लेने वाला कहाँ था? जब इन्होंने स्टैंड लिया नहीं, उस वक्त ये अपने अपने चक्रों में रहे। सलीम भाई, वो जो बिग थ्री है ना वो भी बस बिग थ्री नाम का ही रह गया है, तो बिग वन ही सारा कुछ अब नहीं, हिस्सा तो जाता है ना उनको, ये ना कहें उनका भी बहुत कम कर दिया गया। ये जो पिछले साल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो बहुत कम कर दिया गया, तो आप लोगों से बहुत बेहतर जाता है उनको। ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उस वक्त शोर करना चाहिए था, उस वक्त ये जो एशियन कुछ लोग थे ना वो उन्होंने गलत वोटिंग करके अपने आप को फिर पीछे ले गए, फिर तो अब भुगते हैं। अब वो तो करेंगे अपनी मनमानी, तो जो इनका तो दिल तो करेगा। कर सकते आप क्या कर सकते हैं आप वो जो चाहते हैं करेंगे, आप सिर्फ खेलेंगे चुप करके। आप उनकी बात मानेंगे, आप जाएंगे लेकिन वो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे, वो कब आते हैं?